कॉटन के दाम में भारी तेजी आने से आने वाले महीनों में कपड़ा खरीदना महंगा हो सकता है। इस वजह से गारमेंट का निर्यात भी प्रभावित हो सकता है। गारमेंट निर्यातकों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। गारमेंट उद्योग के मुताबिक पिछले एक साल से भी कम समय में कॉटन के दाम में भारी इजाफा हुआ है। 335 किलोग्राम वाले एक कैंडी कॉटन की कीमत 37,000 रुपए से बढ़कर सीधे 74,000 रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। कॉटन के दाम में इस प्रकार की जबरदस्त तेजी के लिए कॉटन निर्यात में आई तेजी को जिम्मेदार बताया जा रहा है। गारमेंट निर्माताओं ने बताया कि मार्च से अप्रैल से गर्मी के कपड़े बिकने लगेंगे और उनकी कीमतों में 10% से अधिक का इजाफा मुमकिन है, क्योंकि कॉटन के महंगे होने से यार्न और फैब्रिक सभी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और उसका असर गारमेंट के दाम पर दिखना लाजमी है। गारमेंट निर्माताओं ने बताया कि आगामी गर्मी के लिए नए गारमेंट हर साल में पिछले साल के मुकाबले महंगे होंगे। अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC के पद अधिकारी ने बताया कि भारत, बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों को कॉटन का निर्यात कर रहा है। गारमेंट निर्यात के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही देश भारत को सबसे अधिक चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि भारत से सस्ते कपास मिलने की वजह से इनके गारमेंट सस्ते होते हैं और भारतीय निर्यातक इनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं। उनका कहना है कि अधिक कीमत की वजह से भारतीय गारमेंट निर्यातकों के ऑर्डर रद्द हो रहे हैं और निर्यातकों ने सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। गारमेंट एक तैयार उत्पाद है जिसके निर्माण से रोजगार निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।